पांच नंबर सॉल्व क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे. ए और बी है 3x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज. द स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट. नेसेसरीली करेक्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बी है 3x3 मैट्रिसेस में अगर हम लोग कैसे रहें, बी इक्वल टू पी ए पी, अगर ऐसा फॉर्मेट. इट्स एनालाइज द स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द गिवन स्ट्रक्चर. तो ए अपना इन्वर्टेबल हो गया, अगर बोल रहा है ए इज इन्वर्टेबल, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. तो ए ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, तो बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. सो ए इज इन्वर्टेबल अगर हो गया तो बी इनवर्स को लिख सकते हैं पी इनवर्स ए पी इनवर्स, सो दैट इज पी इनवर्स ए इनवर्स और पी. ये इन्वर्टेबल है सो द स्टेटमेंट ए इज नेसेसरीली करेक्ट. ये अपना नेसेसरीली करेक्ट ट्रू. रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये तो सही होगा ही क्योंकि एक ही मैट्रिक्स के दो इन्वेरियंट से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर कर्नल ऑफ ए और कर्नल ऑफ बी, ये है तो कर्नल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, जनरली नॉट प्रिजर्व्ड अंडर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ से तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है. सो वाइल द डायमेंशन ऑफ द कर्नल यहाँ पर इक्वल है जो जोनालिटीज के साथ, तो लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द कर्नल आर नॉट नेसेसरीली द सेम. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम लोग ये दोनों को सेम नहीं बोल सकते हैं, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर सी. और द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोम ए बी आर द सेम, बिल्कुल नहीं, द कैरेक्टरिस्टिक इनवेरिएंट है, सो सॉरी बिल्कुल हाँ, सो ए बी आर सिमिलर एज दे आर द सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन से आ रहा है, सो सी इसका आंसर.